नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। संत आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर नागपुर में उनके भक्तों द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जिसमें दूसरे राज्यों के उनके अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आसाराम बापू की रिहाई की मांग की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। न्याय सबके लिए बराबर है, अगर न्याय सबके लिए बराबर है तो न्याय के प्रति लोगों का विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए पूरे देश भर में बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के ये रैलियां निकाली जा रही है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। ये जो बहनें बिल्कुल झुंड में हो गई हैं, इस रोड को पूरा भर दो, खुले खुले हो जाओ, ऐसे ऐसे खुले हो जाओ, खुले खुले हो जाओ। आज आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए भव्य यहाँ पे रैली निकाली गई है नागपुर में, क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि ये विदर्भ में जो बापू जी की रिहाई की मांग के लिए जो रैली निकाली थी, ये साधारण नहीं थी। ये करोड़ों साधकों की पीड़ा थी, ये रैली नहीं थी। और ये न्याय रैली है, क्यों? क्योंकि 11 वर्षों से आज तक बापू जी को ना एक भी बेल, ना एक भी रिहाई की मांग की, तो ना भी एक भी पैरोल मिली है। तो 11 वर्ष हो गए, तो सभी आतंकवादी को भी बेल मिली जाती, उनको बिरयानी खाने की भी छुट्टी मिल जाती, शादियों में विवाह करने की भी छुट्टी मिल जाती, परंतु एक निर्दोष संत 86 वर्ष वयोवृद्ध बापू जी को आज तक एक बेल और पैरोल नहीं मिली। इसका कारण एक ही है कि बापू जी ने यही किया, मातृ पितृ पूजन वैलेंटाइन डे की जगह, तुलसी पूजन क्रिसमस डे की जगह, और कई गुरुकुलों की, वैदिक गुरुकुलों की स्थापना की, गौ हत्या बंद करवाई, धर्मांतरण रोक लगा के लाखों को घर वापसी करवाई। तो क्या यही बापूजी का दोष था? तो बापूजी कहते, ये दोष स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं अपने धर्म की रक्षा करना नहीं छोड़ूंगा। पर बापूजी के साधक यही मांग करते हैं कि अगर बापूजी को अब पैरोल या बेल नहीं मिली, तो अभी तक तो ये न्याय रैली थी, पर अब बहुत बड़े भारत भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी साधकों की और संस्था की नहीं रहेगी, इसके जिम्मेदार केवल ही केवल प्रशासन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की की, निर्दोष बापूजी को एक लड़की ने आरोप लगाया, उसकी सुनवाई प्रशासन ने कर ली, जबकि बापूजी निर्दोष थे। और ये करोड़ों महिला आज 49 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो रोड पर उतर आई है, वो महिलाओं की पीड़ा आज अनदेखी कर रहे हैं। तो ये प्रशासन, न्यायपालिका से मैं यही कहूँगी कि आपकी क्या यही न्याय प्रणाली है? तो ये भेदभाव हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हो, तो आगे हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, साधकों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिला, तो आगे के जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बस मैं यही न्यायपालिका से कहूँगी कि हमें न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हरिओम। आज नागपुर में कहाँ कहाँ से लोग आए थे? आज नागपुर में पूरे मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पूरा विदर्भ, आज यूपी से भी साधक यहाँ अपनी अटूट श्रद्धा और बापूजी के प्रति प्रीति के साथ यहाँ उमड़ रहे थे। और वो आज भी साधक कहते हैं कि हमारे गुरुजी के लिए हम प्राण देने को तैयार है, पर हमारे गुरुजी निर्दोष रहेंगे। और कहते हैं कि झूठा जो आरोप लगाया है, ये आरोप में कहते हैं सच्चाई कभी दबती नहीं है, भले आज सहना पड़ता है साधकों को, परंतु आज नहीं तो कल सत्य सामने जरूर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई संत नित्यानंद जी, लक्ष्मणानंद जी की तो हत्या ही कर दी, साध्वी प्रज्ञा जी, सभी निर्दोष बरी हुए। तो आज नहीं तो कल बापूजी जरूर निर्दोष बरी होंगे। और इतना समय जो बापूजी का 11 वर्षों का ब्रह्मज्ञानी संत का जो समय लिया है, ये समय कभी वापस नहीं आएगा। और इसका जो साधकों का दिल दुखा है, उनको सत्संग से दूर किया, इसका पाप प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हरि।
आज नागपुर शहर में आसाराम बाबू को लेकर के उनको जेल में इतने सालों से बंद रखा गया है, इसके बारे में नागपुर शहर में आज उनके भक्तों ने और आप गुरु महाराजों ने आयोजन किया है रैली का, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, आप परिचय देकर के बताएं। मैं रामा भाई संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से आज यहाँ नागपुर विदर्भ में सभी साधकों ने मिलकर के और ये जैसी आज यहाँ रैली निकली है बापू जी की न्याय की मांग को लेकर के ये रैली निकली है। पिछले डेढ़ दो महीने से पूरे देश भर में सभी राज्य स्तरीय जो है रैलियाँ निकल रही है और इस मांग को लेकर के कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को छोड़ा जा रहा है, राजनेताओं को छोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े आरोप जिन पर सिद्ध हो गए, बड़े बड़े घोटाले जिन पर सिद्ध हो गए उनको छोड़ा जा रहा है, तो बापूजी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? बापूजी का आरोप क्या है? बापूजी का जो गुनाह क्या है? एक लड़की ने सिर्फ झूठा आरोप लगाया है, वो भी झूठा आरोप है, एविडेंस कुछ नहीं है, लड़की बालिग है, हमने 5-5 प्रमाण पत्र दिए फिर भी लड़की को नाबालिग बता करके जानबूझ करके गुरुकुल, हमारे गुरुकुल में उसने जाकर के छिंदवाड़ा यहाँ से पास ही है वहाँ पर उसने एडमिशन लिया था 2 साल पहले, मतलब 2013 में उसने आरोप लगाया उससे 2 साल पहले, और फिर वो जोधपुर छिंदवाड़ा से शाजापुर जाती है, शाजापुर से फिर जोधपुर जाती है, बोलती है वहाँ छेड़छाड़ हुआ, और छेड़छाड़ हुआ तो वहीं रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थे, वहाँ थाने नहीं थे, वहाँ पुलिस नहीं थी क्या? फिर वहाँ से फिर वापस जयपुर आती, जयपुर से फिर दिल्ली, दिल्ली से शाजापुर, वापस शाजापुर से फिर दिल्ली आती, और 2:30 बजे रात को 3-3.5 दिन बाद जबकि बापूजी का रामलीला मैदान में सत्संग चल रहा था वहाँ 0 FIR करवाई जाती है। लड़की का मेडिकल होता है उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, एक स्क्रैच नहीं, एक खरोच नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कानून का दुरुपयोग करते हुए बापूजी के ऊपर धारा लगा दी, चार्जेस लगा दिए, और प्रूफ कुछ भी नहीं है, एविडेंस कुछ भी नहीं, हमने साक्ष्य रखे उसको अनदेखा किया गया। तो ये दिख रहा है देश और दुनिया को कि बापूजी के लिए जो है इतना जो अन्याय हो रहा है वो जानबूझ करके जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पास ताकत है, सत्ता है, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, बापूजी को बाहर नहीं आने देना, में चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो आज साधकों को सड़कों पर न्याय के लिए आना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कभी राम रहीम को चुनाव पंजाब में था तो चुनाव के पहले, ठीक पहले छोड़ा गया, उससे पहले भी छोड़ा गया था, उससे पहले भी छोड़ा गया, 8 से 9 बार उनको पैरोल दी गई। तो क्या दुनिया समझती नहीं है? दुनिया जानती नहीं है क्या कि भाई आप किसको क्यों छोड़ रहे हो और किसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तो ये सब समझ रहे हैं दुनिया। तो हमारी यही माननीय न्यायालय से गुहार है कि बापूजी के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को देखो, आज बापूजी की ज़रूरत सभी को है। अगर संत बापूजी का देवी कार्य और सेवा कार्य पूरे समाज के लिए देखिए तो सही, पूरे देश भर में 450 आश्रम, 1400 समितियां, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, सैकड़ों गुरुकुल, सैकड़ों गुरुशालाएँ आज भी राष्ट्र निर्माण में सब कर रहे हैं। अगर मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे पूरे अगर नागपुर में मनाया जाता तो नागपुर के हर विद्यालय में जाकर के पूरे कम से कम 40 से 50 करोड़ इस बार जो है मातृपितृ पूजन सबने मनाया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक बापूजी का एक ऐसा मंच है जिसमें बिना भेदभाव के सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग आकर के उसका लाभ लेते हैं। तो जैसे अभी बताया कि राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक षड्यंत्र जिसको कहा जाएगा, बापू जी की जमानत ना होने का कारण क्यों, राजनीतिक षड्यंत्र है क्या जो सत्ता में है अभी? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र ही है, चाहे पहले वाली पार्टी थी चाहे अभी वाली पार्टी है, कोई ना कोई जो है सत्ताधारी होते ही है, उन्हीं के इशारों पर ये सब हो रहा है और नहीं आने दिया रहा, उसमें मुख्य हाथ उन्हीं का है। आपको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है और आपको ऐसा लगता है? भरोसा अभी तक भरोसा है ही और आगे भी भरोसा बना रहा है, इसलिए न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि एक वयोवृद्ध संत जिनकी उम्र 88 वर्ष है और वहाँ कैसे कैसे लोगों को आप दे देते हो पैरोल और छूट जाते, तो उनकी जो संवैधानिक जो उनका अधिकार है स्वास्थ्य के आधार पर, उनको जो है उनके अनुकूल वातावरण, उनको कम से कम स्वास्थ्य के आधार, उनको हार्ट के डिसेस है, 3-3 हार्ट में ब्लॉकेज है, 98%, 95%, 78%, इतनी घातक तकलीफ है, उसके बावजूद माधवबाग में उनको जो है इलाज के लिए जाना था लेकिन नहीं दिया, तो इतनी अभी चिलचिलाती गर्मी है, ऐसी गर्मी में वो रह रहे हैं 88 वर्ष की। तो